हाय वेलकम टू ऑलराउंडर संघु। देखिए आज मैं मटन लाई हूँ। ये मटन कलकत्ता मीट शॉप के मटन है, आप लोग जानती हो मैं वहाँ से ही मटन लेती हूँ। देखो कितना सुंदर, ये चेस्ट का पीस है जो चर्बी वाला बहुत अच्छा सा पीस है। ये देखो ये नली पीस है, नली पीस भी देखो कितना फ्रेश कितना अच्छा। ये गोल बोटी है, मैंने अब हर एक को ये मिला के देते हैं, हम जैसा जैसे मांगते हैं ये कलकत्ता मीट सब मुझे ऐसा ऐसा देता है। तो बहुत अच्छा, बहुत जो मीट अच्छा भेजता है उन्होंने, तो मैंने मीट खरीदा है, आज मीट बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने देखी यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल बैठा दिया है, और यहाँ पे यह है प्याज, यह है अदरक, यह है लहसुन, यह है टमाटर, यह धनिया पत्ता, ये मैंने कट के पहले से रख दिया था। तो अभी देखिए ऑयल को गरम होने दे दिया, ऑयल गरम हो गया। अभी इसके अंदर ये जो प्याज है ये प्याज को देखिए सारे प्याज, लहसुन, ये प्याज लहसुन को हमने छोड़ दिए हैं। अभी इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी मेरा मिक्स अपना कलकत्ता का मिक्स बस हमारा कसते कसते ही बन जाता है। और मैं बोलती हूँ जो मटन का पीस छोटा नहीं बनाना, बड़ा बड़ा बनाना, तो वो बड़ा बड़ा ही बना के हमें देता है। तो देखिए अभी इसमें हमने प्याज और लहसुन दे दिया है, अभी यहाँ पे अदरक टमाटर और धनिया पत्ता है। धनिया पत्ता मैं अभी नहीं दूंगी, अभी मैं अदरक और टमाटर भी इसमें डाल दूंगी। देखिए ये देखिए ये जो अदरक और टमाटर ये भी डाल दे रहे हैं। मैं जैसे जैसे बनाती हूँ आप ऐसा ऐसा बनाइए, बिलीव नहीं कीजिएगा इतना टेस्टी बनता है ना, बस कोई भी खाएगा तो अंगुली चटते रह जाएगा, इतना अच्छा बन जाता है। तो अभी इसको अच्छा से थोड़ा सा भूनिए, एक्चुअली ना मसाला भूनने के ऊपर ही आपका मीट का टेस्ट होता है, तो मसाला थोड़ा सा भून लीजिए। अभी देखिए ये मसाला के ऊपर मैंने ये जो सारे मीट है ये मीट को हम दे रहे हैं। तो अभी इसको अच्छा से हम मसाले के साथ भून लेंगे। तो देखिए अभी मिर्च के अंदर मैं मसाला डालूंगी, देखो उन्हें एक चम्मच हल्दी, नमक एक चम्मच, नमक एक चम्मच, दो चम्मच और तीन चम्मच मिर्ची, क्योंकि मेरा चम्मच बहुत छोटा है, टीस्पून से भी छोटा है, और एक चम्मच, दो चम्मच धनिया। तो इसको हम अच्छा से मिक्स करेंगे, और ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला। अभी देखिए सबको अच्छा से हम मिक्स करेंगे। देखिए अभी हमने मसाला कस रहे हैं, अभी भी हुआ नहीं, तो कितना अच्छा कलर आया लिखा। तो ऐसे आप कसते जाइए कसते जाइए, अपने आप इससे ना ऑयल छोड़ने लग गया। तो मैं अभी भी इसको कस रही हूँ, ऐसा ढक्कन लगाइए और बीच बीच में हिला दीजिए।
ऐसा करके ये करते जाइए। देखिए अभी धनिया पत्ता अभी डाल दिया है क्योंकि ये बन गया है, कौशा बन गया है, तो मैंने कौशा थोड़ा सा रखूंगी खाने के लिए और उसके बाद हम पानी दे देंगे। मगर ये बॉईल हो गया, ये मिर्च ना बहुत अच्छा से बॉईल है, तो थोड़ा सा पानी दूंगी मैं क्योंकि रोटी के साथ खाना है। और थोड़ा सा मैं उठा के रख रही हूँ ये कौशा खाना है। ये कौसा खाऊंगे और इसमें हम पानी देंगे। इतना कौसा रख दिया, जितना कौसा खाना है खाओ और इसमें हम अभी पानी डाल देंगे क्योंकि रोटी से चावल से खाने के लिए जिसका जो मन करे, कौसा खाते आपका मुंह मर जाए तो आप तरी वाला खाइए। तो अभी हम तरी के बनाएंगे। देखिए इतना मीठे इसमें हम पानी डाल देंगे, वो भी ज़्यादा नहीं क्योंकि थोड़ा सा बनने से ये बन जाएगा। अभी थोड़ा सा देने से ये छोटे कटोरी का एक कटोरी और एक कटोरी, बस ये छोटा कटोरी का, देखिए दो कटोरी इसमें पानी दे दिया। अभी इसको मिला लेंगे अच्छा से, ढक्कन बंद कर देंगे तो ये बन जाएगा तरी। और ये कशा, देखो आप कशा भी खा सकते हो, तरी भी खा सकते हो, आपकी मर्जी। तो दोनों चीज रखते हैं, है ना। अच्छा तो अभी प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी। देखिए मैंने मटन आपको दिखा चुकी हूँ, मटन यहाँ पे तरी वाला बना और कशा मैंने ले गया खाने के लिए। और ये देखिए इसके साथ हम नान बना रहे हैं, देखा नान को बेल लिया और ये दो नान बनाऊंगी। और यहाँ पे है आपका धनिया पत्ता, मैं ऐसा करके लगा रही। तो नान बनाने के लिए देखिए तवे में थोड़ा पानी डाल दिया, पास पास पानी डालना पड़ते हैं, पानी के ऊपर ये नान को ऐसा दे देंगे। देखिए पानी के ऊपर ऐसा नान को दे दिया है, तो पानी जब सूख जाएगा तो ये नान भी चिपक जाएगा उसके साथ। तो उसके बाद मैं दिखा रही हूँ मैं कैसे सीखती हूँ। अभी दूसरा वाला बेल लूँ, देखिए दूसरा वाला भी बेल लेंगे आपके सामने। नान यहाँ पे हो रहा है और देखिए ये नान को हमने बेल लिया और ये वाले बेलूंगे, तीन बनाऊंगी नान। देखिए ये जब पूरा चारों तरफ ऐसा तवा को घुमा घुमा के हम कर लेंगे, करने के बाद उधर वाला चिपक गया ना, देखिए नहीं गिरेगा, देखा तवा से, तो ये तवा गैस के ऊपर उल्टा कर देंगे। ये देखिए तवा के गैस के ऊपर उल्टा कर दिया, देखा। तो हमने ऐसा करके घर में नान बना दे। आप बोलिएगा तो कैसे बनता है, ऐसा करके हमने घर में तवे में नान बनाते हैं। इसमें बटर दे दीजिए तो बटर नान हो जाएगा, और ऐसा खाली दे दीजिए तो खाली नान हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा गर्मा गर्म नान बन चुका है। ऑपोजिट भी दिखा रही है आपको, देखिए देखिए ऑपोजिट, ये देखो कैसे बना है ना गर्मा गर्म नान। तो देखिए ऐसा नान रोटी आप घर में बना सकते हो। अब देखिए ये वाला तो हो गया, अभी हम दूसरा वाला बना रहे हैं। ये हो गया, अभी फिर हम पानी देंगे तवा में। देखें गरम तवा में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अभी पानी के ऊपर ये जो आपने बेल के रखे हैं ना, मैंने जो बेल के रखे हैं इसको दे दीजिए। देखें ये छोड़ दीजिए, मैंने पानी के ऊपर ये बेल दिया, इसको होने दीजिए, तब तक ये वाला मैं बेल लूँ। देखिए यहाँ पे ये नान बन रहे हैं, ये नान बन चुका है और ये बेल के रखे, ठीक है। तो देखिए इसको उधर से फूल गया,
इधर भी घुमा घुमा के कीजिए, मैं जैसे करती हूँ। अभी देखिए कितना फूल गया, देखा कितना फूला हुआ। अभी इसको ऑपोजिट कर दीजिए, देखा ये गैस के ऊपर उल्टा दीजिए, ये देखो उल्टा कर दिया, देखा। तो मैं घर में ऐसा नान बनाती हूँ, देखो इसके ऊपर खुल गया, तो खुल गया तो कोई बात नहीं, इसको उधर होने दो, इसको पलट दो, देखो देखो ये भी नान बन गया। आप इसमें घी बटर आपका जो मर्जी आप वो लगा सकते हो। ये पानी दे दिया, फिर जो बेल के रखी थी वो मैं इसके ऊपर दे दिया। देखे इसको करने दीजिए, होने दीजिए, और ये देखिए कितना सुंदर होटल जैसा नान बना लिया, देखा है ना अच्छा। तो मटन के साथ नान रोटी अच्छा। और देखिए ये राइस कुकर में ये राइस। तो आज के हमारा लंच है मटन तरी, नान रोटी, चावल और मटन कोशा, है ना बढ़िया खाना। तो देखिए ये आज के खाना है, देखिए मटन तरी बन चुका है, मटन कोशा आपको दिखाया, ये मटन तरी है। तो मैं ये मटन तरी रोटी से चावल से खाने के लिए मैं उठा रही हूँ, जिसको जो पसंद वो खाओ। तो मैं इसलिए ना आपका मटन का तरी भी बनाती हूँ, मटन का कोशा भी बनाती हूँ, जो कोई ना भूले। जब मेरा ये मन नहीं कर रहा है मैं तरी नहीं खाऊंगा, मैं कोशा खाऊंगा, तो तुम्हारा जो मन है वो तुम खा सकते हो। बोलिए कैसा बना मेरी तरी, है ना मज़ेदार। तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ पता है, क्योंकि ज़्यादा बनाओ मन एकदम अच्छा करके, मन दिल खुश करके खाओ। तो देखिए यहाँ पे है रोटी, चावल और मटन तरी। तो देखिए आज की लंच जो मैंने बनाई, ये सारे मैं घर में बनाई हैं। ये देखो रोटी एकदम जैसे दुकान में मिलते हैं, देखिए देखा ये रोटी, ये देखो मटन कोशा, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, मटन कोशा, ये देखो देखा ये मटन कोशा, ये राइस और ये मटन की तरी। तो आज था ये लंच, आप लोगों का कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं कुछ भी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए बनाती हूँ। ओके बाय।